विवेकानंद ने कहा था कि गंगा एक नदी नहीं है, हिमालय एक पहाड़ नहीं है, हिंदुत्व मात्र एक धर्म नहीं है। विवेकानंद मात्र एक साधु नहीं थे, हमारा महानायक ऐसा महानायक था जो वैज्ञानिक था। जब वो रामकृष्ण के पास में गया, रामकृष्ण महाराज ने कहा कि क्या चाहता है तू? उन्होंने कहा मैं तो बहन की शादी करनी है, पैसे नहीं है, जा मां से मांग ले। बोले कहां मांगू मां से, कहां है मां? बोले जा अंदर जा मांग ले, ध्यान कर और मां दे देगी। और वो गए वहां पर, लौट के आए, मांगा मां से, बोला मैं तो भूल गया था, मैं तो भूल गया था। हमारा महानायक बहुत ही वैज्ञानिक था, हमारा महानायक हिंदू धर्म के उन सारे अंधविश्वासों को झुठलाता था, न जाति न धर्म न रिचुअल्स कोई उसे भाते नहीं थे, वो सबके बियॉन्ड था। एक समय ऐसा आया, दुर्भिक्ष आया बंगाल में, और उसने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो बेलूर मठ को भी बेच दूंगा। लोग हतप्रभ रह गए कि गुरु के इस मठ को बेच देगा? बोला हां, भूखे पेट को खिलाने के लिए, नंगों को वस्त्र देने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। ऐसा धर्म, ऐसा विश्व धर्म उसने अंगीकार किया था। कैसा था वो शिक्षक? जिक्र आता है कि सिस्टर निवेदिता, उनकी यूरोपियन शिष्या आती है, उनके अंतिम समय में वो कृशकाय हो गए हैं, वो दुर्बल हो गए हैं और लेटे हुए हैं, बीमार थे, मलेरिया से ग्रसित थे, और वो आते उठ के खड़े हो जाते हैं, सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं, अंदर से संदेश निकालते हैं, पानी देते हैं और तौलिया लेके उसके हाथ पोछने के लिए खड़े होते हैं। निवेदिता कहते गुरु ये क्या कर रहे हैं? वो कहते क्राइस्ट ने भी ऐसा ही किया था। हर गुरु को करना पड़ता है। गुरु खाली शासन देने के लिए नहीं होता है, गुरु सिर्फ आदेश देने के लिए नहीं होता है, गुरु सिर्फ दीक्षा देने के लिए नहीं होता है, गुरु माँ की तरह केयर करता है। ऐसा था हमारा गुरु, जो केयर करता था अपने शिष्यों की, उनको एक मिसाल देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ज्योति लेके यही सिस्टर निवेदिता यूरोप जाएगी, यही विश्व में इसको फैलाएगी। हमारा महानायक एक ऐसा कम्युनिकेटर था, एक ऐसा पब्लिक स्पीकर था, जो शिकागो में जब गया तो डंग का पीट गया। महात्मा गांधी ने लिखा एक जगह कि पहली बार मुझे भारतवर्ष के इस औतिथ्य का अनुभव हुआ विवेकानंद को पढ़ के। उन्होंने ही पहली बार विश्व के चेतना में ये बात रखी कि हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, क्या दिया है, ये क्या समर्थ रख रहा है। हर युवा के लिए कर्तव्य है ये समझना। उन्होंने यही कहा था कि अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के आत्मविश्वास को पहचानो। द गॉड इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू, रिमेंबर दैट योर फादर ऑलवेज लिव्स विथ यू, एंड इफ यू लिव इन योर फादर यू कैन नेवर डू एनी रॉन्ग, यू विल चेंज द वर्ल्ड। ऐसा संदेश लेके रूढ़िवादिता के विरोध में, कहते हैं कि एक बार बदायूं के पास में वो उपदेश देते देते आए थे, गर्मी का समय था, प्यास से मूर्छित हो गए स्टेशन के पास में, बदायूं स्टेशन के पास में, और वहां पर एक मोची काम कर रहा था, उसके उसके लोटे से पानी पिया। लोग देखते रह गए, साधु वेशधारी लोग आए और कहे यहां से आपने पानी पिया है? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा किया है मैंने, मनुष्य के हाथ का ही तो पानी किया है, श्रम से सिंचित पानी ही तो पिया है। कहने का मतलब है जितनी भी रूढ़िवादिता हैं, गलत मान्यताएं हैं, इन सबको छोड़ के ये महानायक एक ऐसे धर्म का निर्माण करना चाहता था। ग्रामीण विकास के बारे में आपको बता दूं, जिक्र आया है कि बेलूर मठ के बाद उन्होंने जगह जगह पर ऐसे आश्रम बनवाए जहां कृषि के कार्य हों और युवकों को उससे जोड़ा जाए। भागलपुर में, रांची में उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में कृषि के कार्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा जब तक ये मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं आएगा, जब तक नवयुवक नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये ग्रामीण विकास नहीं होगा, तब तक हम भूखों को खिला नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है इस महानायक में जो तस्वीर देखना चाहे आप देख सकते हैं। युवकों, आपके लिए संदेश है जो आपको पुकार रही है कि देश की डिमांड है कि ऐसे साहसी लोग हों, ऐसे उद्यमी लोग हों, ऐसे आत्मविश्वासी लोग हों आप में से, जो सबको जाके ये संदेश दे सकें। विश्वविद्यालय फैक्ट्री नहीं होती है, विश्वविद्यालय मात्र क्लासरूम नहीं होता है जहां एक तरफ का नोट्स दूसरे तरफ जाए। विश्वविद्यालय बड़े बड़े इमारतों से नहीं बनता है, विश्वविद्यालय आर्किटेक्चरल डोम्स से नहीं बनता है, विश्वविद्यालय बनता है छात्रों से और शिक्षकों से। ऐसे शिक्षक जिनके अंदर संवेदना हो, ऐसे छात्र जो सीखना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां विश्व के नेता तैयार किए जाएंगे, विश्व के लिए अग्रणी स्कॉलर्स तैयार किए जाएंगे, ऐसे शांति के दूत तैयार किए जाएंगे जो हमारे इस महानायक के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे।